अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो ये घटना हुई है, जो हत्या का आरोप लगा है, वहां मिल रहे हैं परिजन से। किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी तरह का जुल्म होता है तो वो देखने की जिम्मेदारी है हमारी, और उसी अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपके घर आए हैं और इस मामले की पूरी तरह से जांच करेंगे, और जांच करके अगर वाकई उनका कत्ल हुआ है तो दोषियों को सजा जरूर दिलवाएंगे। इसके लिए हम लोग जांच करेंगे, क्योंकि अभी शाम में हम लोग एसपी से मिलेंगे और तमाम मामले की उनसे भी हम लोग रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद आगे और भी अपने तौर पर जांच की जाएगी। हम लोग आपके साथ हैं, अल्पसंख्यक आयोग आपके दुख में शामिल हैं। हम लोग, मेरा नाम हिदायतुल्ला खान है, हम लोग आपके कारी बरकत अली साहब हैं, हम लोग आयोग की तरफ से आए हैं आपके दुख में शामिल होने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं, वो मृतक परिवार की पत्नी से मिले हैं, बात किए हैं, क्या कुछ वार्ता हुई है पत्नी से? नहीं कुछ नहीं, मैं तो वो तो बेचारी, उनके तो जबान से आवाज नहीं निकल रही है। हम लोग बताए हैं कि आपके दुख में शामिल होने आए हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग की जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई है, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमारे किसी भी अल्पसंख्यक समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना घटे तो उनके गम में शामिल हों। और रहा सवाल के इनके मौत की, तो वो जांच का विषय है, जांच होगा। अभी तक जो फुटेज मिला है और जो बयान यहाँ के लोगों की मिली है, जिन लोगों का कहना है कि उनका कत्ल हुआ है, प्रशासन बहुत जल्दबाजी में अपना बयान जारी कर दिया बिना इंक्वायरी, बिना इन्वेस्टिगेशन के, कि ये एक्सीडेंट है, ये सही नहीं है। हम लोग बात करेंगे, अपने तौर पे भी जांच करेंगे। किस तरह की मदद मिलेगी सरकार की ओर से पीड़ित परिवार? अपने तौर पे हम लोग जो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, उस रिपोर्ट में हम लोग सरकार से निवेदन करेंगे कि इन लोगों को जो है सही तरीके से पूरी मदद की जाए, और इनके परिवार के लोगों को कहीं अगर कोई नौकरी हो, किसी तरह का कोई मामला हो, तो उस पर। इस तरह की घटना में सरकार ने भी पैसे दिए हैं, नौकरी भी दिए हैं? देखिए, अभी तो ये जांच का विषय है, बहुत बहुत क्लियर केस तो है नहीं, जांच के बाद ही बहुत क्लियर केस नहीं है, इसलिए कि कोई आई विटनेस, ऐसा लोगों ने कहा है कि कोई आई विटनेस भी है, तो अगर वो मिल जाए तो केस आसान हो जाएगा। चलिए, तो देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, जो आज खुद उनके परिजन के घर पहुंचे हुए और उनसे मिल के जा रहे हैं, और तमाम तरीके के जो यहाँ चर्चा भी किए हैं, अब जांच की प्रक्रिया है। अब बोले हैं कि सरकार की ओर से भी रहेगी सही तरीके से इन मामले की जांच की जाए, और क्या है, हत्या है, मॉब लिंचिंग है या एक्सीडेंटल केस है, वो तमाम जनता के बीच निकल के आए। तो अभी जो मौलाना साहब का इंतकाल हो गया था 30 जून को, तो उन्हीं के घर पहुंचे हुए थे, और तमाम अल्पसंख्यक आयोग की भी टीम पहुंची हुई थी। शासन का भी कहना है कि वो कल ही जहां सड़क दुर्घटना हुई थी, जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि यह हत्या का मामला है, मॉब लिंचिंग का मामला है, वहां यहां जो हजारीबाग ये जिला पड़ता है, जो घटना हुई थी हजारीबाग और थाना बरकट्ठा पड़ता है, उनका बयान है कि ये एक सड़क दुर्घटना है। तो अब देखते हैं कि परिजन जो आरोप लगा रहे हैं तो उस पर क्या सामने निकल कर आता है। तब तक के लिए देखते रहिए आप लोग द न्यूज़ खजाना। जोहार।